किसान हमारे देश में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर किसान ना होते तो हमारे घरों में अनाज ना होता। किसान मिट्टी से सोना उपजाते हैं, वे अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं। मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर तदानुसार नीति निर्धारित करने में दक्ष होते हैं। सचमुच प्रकृति के सहचर होते हैं हमारे किसान। पूरे देश में कोरोना की वजह से दहशत फैला हुआ है। देश में बहुत बड़ी विपदा आई हुई है। कोरोना वायरस से न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। ऐसे में हमारे देश के किसानों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं किसानों से उनका दर्द। खेती बाड़ी हो रहा है तो हम लोग का कोई बिक्री नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, काम कुछ नहीं चल रहा है। मजदूरी खटे तो मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे क्या करेंगे। कुछ सरकारी काम है कुछ नहीं मिल रहा है, न राशन कार्ड है, न कोई चीज़ के घर दुरा नहीं मिलल है, इंदिरा आवास घर नहीं मिलल है, लेटरिन रूम नहीं बनल है, कुछ नहीं मिलल है, कैसे क्या करेंगे। गेहूँ वूम लगाते हैं और कैसे करेंगे, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। सरकार जो मोदी सरकार बोल रहे हैं वो आज्ञा पालन हम लोग कर रहे हैं। देश में बहुत बड़ा संकट आया है, अब उस संकट के हम लोग का निवारण करना है सबको मिल करके, और क्या करें। और कुछ हम लोग का कुछ मिल ही नहीं रहा है सरकार द्वारा से, न राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। घर में किसी तरह से हम लोग हैं बाल बच्चा के लेकर के, और रहना भी चाहिए, सरकार का आज्ञा पालन करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना कि किसानों का यही कहना है कि हम सभी लॉकडाउन का स्वागत करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें सरकार से अपने लिए मदद की मांग की है। खेतों में काम करने वाले मजदूर किसानों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें भी इस महामारी में काफ़ी परेशानी हो रही है। पानी भी बंद, तो आदमी खाना पीना कैसे करके खाते, बाल बच्चा कैसे करके पोसते पालते, कैसे रखते। पानी भी काम मिल वाले उधर भी बंद, तो कैसे आदमी कैसे पीछे खटक के खेबो कर रहे थे, वो भी बंद। कहीं कहीं मिलता है काम तो वही वाला काम करते हैं, तो एक दिन मिल जाता तो वही वाला लेकर हम लोग जो। बहरहाल कोरोना वायरस ने सभी का हाल बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसे में सरकार अपनी ओर से सभी जरूरतमंद लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रही है, ताकि किसी के सामने भूखमरी की समस्या खड़ी ना हो। देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्था करती है। ओंकार आवामी के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।